भारतीय जनता पार्टी उन सभी घटक दलों को निगल जाना चाहती है जो उनको सहयोग करती है, छोटी पार्टियां। लोक जनशक्ति पार्टी को दो टुकड़े में तब्दील भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर किया और गले लगाया था उसमें पारस जी को और हनुमान के रूप में पेश किया था चिराग जी को। तो अब पारस जी को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। आज क्या हाल है उपेंद्र कुशवाहा का, क्या हाल है अन्य लोगों का? बहुत लोग भीतर से चरचरा रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ, किनारा मिल नहीं रहा है, हालात बस से बदतर। तो कुछ लोग तो, हम तो एक लाइन में पहले भी कहा कि जो दल भाजपा को मदद किया है उन सभी दलों को बिहार की जनता एकदम समाप्त करेगी। यानी तेजस्वी यादव ने दरवाजा बंद रखा? हमने न बंद रखा, हम तो दरवाजा किसी के लिए बंद रखते ही नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, चिराग पासवान का मामला पूरा सेट हो चुका है, सीटों के बंटवारे लगभग एनडीए में तय हो चुके हैं, मगर चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बस इंतज़ार है उस पल का जिसमें पत्र जारी होकर सीटों को लेकर के सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उनके साथ नाइंसाफी हुआ है, यह भी बात कह रहे थे, और फिर यह भी कह रहे हैं स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने को। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। शक्ति जी, चिराग पासवान तो साथ नहीं आए, चाचा अगर आते हैं पशुपति कुमार पारस तो वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे आप लोग, या दरवाज़ा बंद रखा है? शायद आप लोग भूल गए होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी को दो टुकड़े में तब्दील भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर किया और गले लगाया था उसमें पारस जी को और हनुमान के रूप में पेश किया था चिराग जी को। एलिमिनेट करने की कोशिश की चिराग पासवान जी को, लेकिन चिराग पासवान खड़े रहे और मंत्री बन गए पारस जी। अब एक धड़ा को दो धड़ा करने के बाद चाहते थे कि एक समाप्त होगा, लेकिन समाप्त नहीं हो पाए। तो अब पारस जी को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। जो मंत्रिमंडल में मंत्री उनके साथ रहे, भाजपा को सहयोग किए, भारतीय जनता पार्टी उन सभी घटक दलों को निगल जाना चाहती है जो उनको सहयोग करती है, छोटी पार्टियां। आज क्या हाल है उपेंद्र कुशवाहा का, क्या हाल है अन्य लोगों का? बहुत लोग भीतर से चरचरा रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ, किनारा मिल नहीं रहा है, हालात बस से बदतर। तो कुछ लोग तो 400 लोकसभा पर लड़ेंगे, जहाँ जहाँ भाजपा लड़ेगी वहाँ वहाँ कई पार्टियाँ वो लड़ेगी। जिन लोगों ने भाजपा का साथ दिया और भाजपा ने जिनको दूध की मक्खी की तरह निकालने का निर्णय लिया, तो सवाल साफ है कि पशुपति पारस जी के भी कुछ वोट हैं, वह भी आदरणीय रामविलास जी के भाई हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो अपनी मौजूदगी किसी न किसी रूप में दिखाएंगे, और बिहार की राजनीति में लंबे समय से हैं तो पीछे तो नहीं हटेंगे। नहीं, आप लोग डूबने से बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? आप कह रहे हैं कि सवाल मेरे गठबंधन का ये सवाल ही नहीं है, इसलिए दूसरे गठबंधन में कोई है डूब रहा है कि उग रहा है वो तो विषय उनके गठबंधन का है जिस गठबंधन में वो हैं। साथ आना चाहें तो आप लोग सवाल इस तरह का कोई है ही नहीं। हम तो एक लाइन में पहले भी कहा कि जो दल भाजपा को मदद किया है उन सभी दलों को बिहार की जनता एकदम समाप्त करेगी। इस बार लोकतंत्र के रास्ते में जो खतरा बनी पार्टियां, उसको किसी कोई अगर चाहेगा तो उसको उठाने की कोशिश करें तो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यानी तेजस्वी यादव ने दरवाज़ा बंद रखा है? हमने इन्हें बंद रखा, हम तो दरवाज़ा किसी के लिए बंद रखते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ रोज लोग आते हैं, रोज मिल करके जाते हैं। आपने कहा कि भाजपा को जिन लोगों ने मदद किया है उन्हें जनता समाप्त करेगी, इसका मतलब क्या है? हम तो एक लाइन में कह रहे हैं भाजपा समाप्त कर अपने पार्टनरों को धीरे धीरे, उत्तर प्रदेश में समाप्त किया, कई गठबंधन है, कई दल हैं जिनको अपने नोख पर रख रही है भाजपा। ये बिहार है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कड़े चने चिबाने पड़ेंगे, यहाँ आसान नहीं होगा रास्ता तय करना।
बिहार से ही इनके जीत के रथ हैं, यहीं इनको धसा दिया जाएगा, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, यही सोच रहे हैं। आएंगे तो वेलकम तो करेंगे। हमने तो एक लाइन ने पहले भी कहा ना कि हमारे यहाँ कोई आते हैं तो हम लोग सम्मान करते ही हैं। हम लोग किसी को दुराते नहीं हैं, किसी को समाप्त नहीं करते हैं। समाप्त करना, अब चिराग पासवान जी को तो बात छोड़ दीजिए, सहनी जी की पार्टी को इस तरह से विधायकों को किसने हड़पा? भाजपा ने हड़पा, तो जवाब तो भाजपा ही को देना पड़ेगा ना जनता के बीच में। मुकेश सहनी से गले मिलाने के लिए तैयार है कि भाई? हमने तो कहा, हमने तो साफ कहा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, जो भी आते हैं सबका सम्मान होता है। यानी ये इन तीनों नेताओं के जिनका जिक्र हम करने बैठे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, पशुपति कुमार पारस, इन लोगों के लिए दरवाजा। मैंने एक लाइन में कहा आपसे कि हमारे यहाँ कोई आते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। गठबंधन तो जहाँ है उनका ऑलरेडी अभी तक वही है, इसलिए लेकिन कोई अगर अपनी पीड़ा लेकर के, कोई अपनी बात लेकर के आएगा तो उसको एक सलाह लेख तो हमारी पार्टी देती ही रहती है। उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट नहीं है उनके साथ, ना इंसाफी हुई है, तो अब फिर अब महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की ओर? ना इंसाफी अगर हुआ है तो ना इंसाफी का जवाब तो जनता देगी ना। अच्छा, शक्ति सिंह यादव जी, कल कैबिनेट का विस्तार हो गया, आप लोग तो कह रहे थे कि भाई दोनों चुनाव एक साथ में हो जाएंगे। ऐसा कैबिनेट का क्या विस्तार का मतलब? जो आचार संहिता लागू मंत्री झुंझुना बजाएंगे, क्या कोई काम कर पाएगा बेचारा? सब बना ऐसे ही रहेगा ना, संग्रह कर सकता है कुछ मामूलों का, अदरवाइज क्या करेगा? कोई काम थोड़ी होगा। अब तो आचार संहिता लग गया, नहीं तो सरकार थोड़ी गिर गई, चुनाव थोड़ी एक साथ हो रहा है। अरे इसके बाद है ना चुनाव होना है, पार्लियामेंट बाद होना अलग चीज है, जो दावे आप पार्लियामेंट के चुनाव जैसे ही समाप्त होगा तो कितनी पार्टियां को एलिमिनेट करेगी भारतीय जनता पार्टी, देखिएगा आने वाले कल में। सब कुछ तो ठीक लग रहा है एनडीए में, आप लोगों में सीट शेयरिंग को लेकर सब? हम लोग के यहाँ सब कुछ ठीक है, हम लोग जो करेंगे सब देखेगा। अभी कहाँ कुछ हुआ है एनडीए में, अभी तो जुत्तम पजार ही है। फॉर्मूला तो हमारे यहाँ सब तय हो चुका है, हमारे यहाँ तो सिर्फ पीपल डोर में डालना है, देखिएगा जल्द डालेंगे। तैयारी हो गई, सब तैयार है। सबको सम्मानजनक स्थिति में रख कर करके महागठबंधन अपने स्वाभाविक गठबंधनों को सशक्त और मजबूत भी करेगी और 400 सीट पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, और इस बार महागठबंधन बिहार में 35 पार होगी। कांग्रेस जितना सीट मांग रहा है क्या आप लोग देंगे? कोई भी सीट मांग सकता है, गठबंधन में कोई भी घटक दल सीट की मांग करते ही है, ये लोकतंत्र का तकाजा है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को क्या कुछ कह रहे थे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और तीसरा नाम अब जुड़ चुका है पशुपति कुमार पारस का। देखिए, पशुपति कुमार पारस यूं तो एनडीए के हिस्सा थे, केंद्र में मंत्री, मगर अब नाराज़ हो गए हैं, कह रहे हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, मगर इंतज़ार करेंगे, उस पल का इंतज़ार करेंगे जिस पल में उन्हें उन तमाम बातों को जो एनडीए के तमाम नेतृत्व के सामने उन्होंने रखा है, अगर वो बातें मान ली गई, उन तमाम सीटों को उनके हवाले कर दिया गया, यानी कि उन्हें दे दिया गया जिन सीटों पर उनके सांसद जीते हुए थे, मगर ऐसा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान अब पूरा सेट हो चुके हैं, सीटों को लेकर के भी बातचीत हो चुकी है और साइड कर दिया गया है मानो पशुपति कुमार पारस को। खैर, इस वीडियो में इतना ही, हम पल पल के तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।